हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस के बारे में, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्विंस मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एंड दूसरा होता है आइडेंटिकल ट्विंस। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इस प्रकार के ट्विंस होते हैं वो दिखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब मैं बता दूं आपको ये बनते कैसे हैं। इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो दो अलग अलग एग्स एंड दो अलग अलग स्पर्म के साथ में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में इस प्रकार के ट्विंस बनते हैं। इस वजह से इनका जो प्लासेंटा होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं एंड इनकी जो पानी की थैली होती है वो भी अलग अलग रहती है। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जो जेंडर होता है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। इस प्रकार के ट्विंस दो लड़के भी हो सकते हैं या एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है या फिर दो लड़कियां भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी क्लियर नहीं रहता है। इस प्रकार की जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा सेफ होती है। अब मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि आप जब अल्ट्रासाउंड करवाने चाहेंगे तो आपके अल्ट्रासाउंड में कभी भी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस कभी भी लिख के नहीं आता है। आपके अल्ट्रासाउंड में लिख के आएगा डाइएम्नियोटिक ट्विंस एंड डाइकोरियोनिक ट्विंस। तो अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। आपके अल्ट्रासाउंड में जो डाइएम्नियोटिक वर्ड्स लिख के आता है इसका मतलब होता है कि एम्नियोटिक मतलब पानी की थैली जिसमें बच्चा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग थैली है। एंड डाइकोरियोनिक लिख के आता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों के अलग अलग दो प्लासेंटा है, ठीक है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डाइएम्नियोटिक डाइकोरियोनिक लिख के आता है इसका मतलब है कि आपके जो ट्विंस है वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनको हम मोनोजाइगोटिक के नाम से भी जानते हैं और ये जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं। इस टाइप के ट्विंस जब होते हैं जब एक एग फर्टिलाइजेशन होने के बाद में दो एग में विभाजित हो जाता है, तो जिस वजह से जो है आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और ये एक ही एग से निकलने की वजह से इनका जो प्लासेंटा होता है वो एक ही रहता है। एंड इस टाइप के जो ट्विंस होते हैं वो इनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं एंड यहाँ तक कि इनका ब्लड ग्रुप भी ज्यादातर सेम ही रहता है और इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। इस टाइप के ट्विंस एक ही पानी की थैली में रहें या फिर अलग अलग पानी की थैली शेयर करें, दोनों ही इसमें कंडीशन रहती है। और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको कभी भी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपके अल्ट्रासाउंड में लिख के आएगा मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक। इसका मतलब होता है कि जो इनका प्लासेंटा है वो एक ही है बट इनकी थैली जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा खतरा ये रहता है कि कभी कभी प्लासेंटा एक होने की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि एक बच्चे को ब्लड ज्यादा मिलता है, एक बच्चे तक ब्लड की सप्लाई कम होती है एंड एक बच्चे को ज्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं, एक बच्चे को कम पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में इस टाइप की प्रेगनेंसी आती है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा एंड आपको अपने डॉक्टर के ज्यादातर संपर्क में बने रहना होगा, क्योंकि इस टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है उसको शुरुआत के 6 महीने तक बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। डॉक्टर अपनी निगरानी में रखते हैं ताकि वो अच्छे से पता कर सके कि दोनों बच्चों को बराबर ब्लड मिल रहा है कि नहीं, दोनों बच्चों को बराबर पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं एक बच्चा अच्छे से डेवलप हो रहा है एक बच्चा कम डेवलप हो रहा है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में लिख के आता है मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक तो इस टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस एंड बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि इसमें प्लासेंटा एक ही होता है प्लस थैली भी एक होती है और इसमें बच्चों के जो पार्ट्स होते हैं वो कोई ना कोई चिपकने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है और जिनको हम दूसरी भाषा में कंजॉइंट ट्विंस भी बोलते हैं। आई होप कि अब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।